बिग बॉस के घर में ये पहली बार नहीं हुआ है कि कंटेस्टेंट में से कुछ कंटेस्टेंट आपस में बैठ करके प्लानिंग कर रहे हो कि किस तरह से किसी को नॉमिनेट करना है, किसको रखना है, किसको बाहर निकालना है और वो किस बेस पे बात कर रहे हैं। वो सारी चीज पे मतलब कभी इससे पहले डिस्कशन ना हुई हो, ये तो कभी नहीं हुआ है। हर सीजन में ये रूल जो है ब्रेक किया गया है। अब बिग बॉस OTT सीजन 2 में इस बार किया है सबके फेवरेट फुकरा इंसान ने, एंड उन सारी चीजों को किस तरह से किया गया है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुना गया। सीधा बताया गया कि भाई आपको दंड दिया जा रहा है, दंड स्वरूप सारे लोगों को, यानी आकांक्षा पुरी, जिया और अभिषेक मल्हान एज फुकरा इंसान, मतलब AKA फुकरा इंसान। तो भाई इन लोगों को सीधा सीधा नॉमिनेट कर दिया गया है अगले हफ्ते के लिए। वैसे नॉमिनेशन इज अ गुड थिंग, और मैं सच बता रहा हूँ जो बेबी का है वो कितनी भी नॉमिनेट हो जाए उसको खास करके एंड ऑफ द शो तक खींच कर लेकर जाएंगे। हाँ, भले से उसको जिताए ना जिताए वो अलग बात है, जिताने वाली बात कभी नहीं होती है। जो भी इतना बसड़ करता है ना वो बस शो का TRP बढ़ा रहा होता है, और वही चीज जो है ये बेबी का दे रही है। तो भाई जितने भी लोग नॉमिनेट होते हैं ना वो नॉमिनेशन ये बताता है कि अगर आपकी फैन फॉलोइंग सच में इतनी तगड़ी है, आप कितनी बार भी नॉमिनेट हो जाओ आपको घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये एक पार्ट है। दूसरा, अगर बिग बॉस या फिर क्रिएटिव टीम चाहती है इनको निकाला जाए, ये हमारे शो में उस तरह से काम नहीं आ रहे हैं, या फिर आ तो रहे लेकिन थोड़ा बवाल मचने के लिए, थोड़ा सा मतलब मार्केट में वो बवाल होना चाहिए, लोगों के बीच में वो सारी चीजें बात होनी चाहिए कि बिग बॉस बायस थे, उस वजह से भी निकालते हैं और फिर से वापस ले आते हैं कि आपको पब्लिक डिमांड पे वापस बुलवाया जा रहा है। तो ये दो तरीका होता है भाई बिग बॉस का, या तो वो पूरे तरीके से ऑडियंस पोल पे जाती है या फिर वो अपना ही कोई फैसला सुनाती है। तो इस बार आप बताओ क्या होने वाला है, क्या बिग बॉस ऑडियंस की सुनेगी, फैंस की सुनेगी और फुकरा इंसान को जो है इस घर से नहीं निकालेगी। देखो अभी मामला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फुकरा इंसान को घर से निकाला जाए, लेकिन ये इतना बड़ा भी रूल ब्रेक नहीं था। हाँ, अभी पूरे तरह से टारगेट हो चुका है, बंदे ने एक बार बॉडी शेमिंग कर दी है, दूसरी बार जो है एक तरह का रूल ब्रेक कर दिया है, और जब टास्क शुरू हुआ उसके बाद से टॉय टास्क, वहां पे बंदा पूरे तरह से डरा हुआ था, बहुत लाइटली ले रहा था, मतलब पूरे माहौल को एकदम लाइट रखना चाह रहा था कि बस अभी बहुत हो चुका है, आज के दिन में कुछ नहीं करते। तो टास्क जो खेला गया, टास्क वास तो चल रहा है, लेकिन जब बात डिस्कशन की होती है, यानी जिया और फुकरा इंसान साथ में बैठते हैं, तो वहां पे फुकरा इंसान का कहना होता है निकलूंगा तो ऐसे नहीं इस घर से, बिग बॉस भी अगर मुझे निकालना चाहे मैं नहीं निकलूंगा, पहले सबकी एक एक की लंका लगाऊंगा, मतलब एक एक की लगा कर फिर निकलूंगा मैं, एक स्टेटमेंट ये था। अब भाई सोचो फुकरा इंसान क्या करने के मूड में है। दूसरा कि भाई जो जिया है, जिया शंकर, पता नहीं किस तरह से एक अलग तरह की बॉन्डिंग चल रही है, और अभी ऐसा लग रहा है कि ये बंदी शुरू से ही किसी एक के साथ में होना चाहती थी। सबसे पहले उसने पकड़ा था अपने सचदेव भाई साहब को, वो भाई साहब ऐसे है कि वो दूध के जले छाछ भी फूक फूक के पी रहे थे, तो भाई लड़कियों का रिस्पेक्ट देना ही खत्म कर चुके, उन्होंने इतना धोखा खाया है कि अब लड़कियां उसके लिए मैटर नहीं करती, वो बोलता है भाड़ में गया रिस्पेक्ट, भाड़ में गया कोई फीलिंग्स वगैरह। जब जिया रो रही थी उसको जाके चुप भी कराने का उसने जरा भी बॉदर फील नहीं किया कि जाना चाहिए, तो वो भाई साहब तो नहीं आए। अब बात बन रही है धीरे धीरे अभिषेक मल्हान के साथ में, क्योंकि अभिषेक रीजन है, बिग रीजन, उसने कुछ चीजें रिवील कर दी है, वो पहला रीजन हो सकता है। दूसरा कि एक न्यू जनरेशन को पता है कि सोशल मीडिया का पावर क्या है, और जो टीवी पे जो एक्टर्स है उसके पावर्स क्या है, तो उसके बाद में अगर किसी का आता है तो सोशल मीडिया के आता है, तो सोशल मीडिया के एक बंदे के साथ में जुड़ जाना और उसके बाद से उसकी फैन फॉलोइंग को अपने तरफ खींचते हुए ले जाना, दैट्स अ बिगेस्ट टैलेंट मैन। नहीं, एक चीज और कहना चाहता हूँ, ऐसा मत समझो कि मैं उसको कुछ और कह रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, इस घर के अंदर में दो बंदी ऐसी है जो दिल पे धीरे धीरे बसने लग गई, एक जिया शंकर है बिकॉज ऑफ क्यूटनेस, उसका एक ऑरा अलग होता है, दूसरा भाई अपनी वो बंदी जो बिहार की लाडली है। मैं जब ये एंट्री की ना, मैं सीधा बोला भाई इस बंदी को जितना हो सकेगा इग्नोर मारूंगा, इसका जब भी पार्ट आएगा मैं घूमूंगा फिरूंगा, इसका जब खत्म हो जाएगा दबाऊंगा। लेकिन ये बंदी और जिया, ये दोनों जब भी मुंह खोलती है ना बॉस, कुछ इंटरटेनिंग होता है, कुछ जबरदस्त होता है। आप इस क्लिप में देख सकते हो कि ये किस तरह से बोलती है, एंड उस वक्त मुझे याद आया कि एक लाफ्टर शो में ये एंकर होती थी और हर एपिसोड में अलग अलग अवतार के साथ में आती थी, कभी गुजराती, कभी मराठी, कभी बंगाली, हर तरह का कैरेक्टर इसमें प्ले किया है। उस वक्त मैं सोचता था बंदी यार काफी टैलेंटेड है, काफी बार में जाके पता चला कि मराठी इंडस्ट्री में इसका अच्छा खासा चल रहा है, और वेड मूवी में तो भाई ये बंदी ने कुछ अलग लेवल पे अपनी पहचान सेट कर दी है। तो ये बंदी और मनीषा रानी, ये दोनों ने धीरे धीरे एक अलग फैन फॉलोइंग, एक अलग कल्ट फैन फॉलोइंग बनाना शुरू किया है। आपको क्या लगता है फुकरा इंसान क्या करने वाला है, और इन दोनों के बारे में जो मैंने कहा है कि एंटरटेनर ऑफ द हाउस बोल सकते हो, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कमेंट सेक्शन पर लिख करके बताना। एंड व्हाट डू यू थिंक कि इस बार एलिमिनेशन में कौन जाने वाला है, वैसे पूरी दुनिया को पता है एलिमिनेट कौन होने वाला है, फिर भी आप कमेंट सेक्शन पर लिख करके बताओ इस हफ्ते का एलिमिनेशन किसका है। चैनल पर नए हो इस तरह के गॉसिप और डिस्कशन और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।